हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि किस प्रकार से हम ये पता कर सकते हैं गूगल शीट का यूज करके कि हमने जो ईमेल लिखा है वो करेक्ट है या नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मैंने यहाँ तमाम ईमेल्स लिखे हुए हैं और इसमें कुछ ईमेल्स करेक्ट हैं, कुछ इनकरेक्ट हैं। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि कौन सा ईमेल करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट, ये फीचर आपको एक्सेल बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करता है। सो आइए देखते हैं कि इसे हम कैसे कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, इक्वल टू का निशान लगाते हैं और यहां लिखते हैं इज ईमेल। आपको क्या लिखना है, इज ईमेल। इज ईमेल यहां पे आ चुका है, देख सकते हैं आप, ठीक है। और अब आपको करना क्या है, इस वाले ईमेल को करना है सेलेक्ट। तो ये सेलेक्ट कर लिया हमने, इसको करेंगे क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहां पर आ रहा है ट्रू, यानी कि ईमेल सही है हमारा, ठीक है। इसको नीचे ड्रैग करवाते हुए चलेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो भी ईमेल सही नहीं है उसके आगे क्या लगा होगा, फॉल्स लगा होगा, और जो ईमेल सही है उसके आगे ट्रू लगा होगा। तो आप देख सकते हैं यहां पे yahoo.mail.com, dogpile@gmail.com, ठीक है, ये भी सही है। तो यहां पे देखिए ईमेल का फॉर्मेट क्या करेक्ट है क्या नहीं करेक्ट है, आप इस मेल फॉर्मूले से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं आप, सारा कुछ यहां पर आ चुका है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि कैसे इस मेल फॉर्मूले का प्रयोग आप करके और ईमेल सही है या नहीं है ये बड़े ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो भी कैसे, गूगल शीट से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।